वेलकम बैक टू माई चैनल. राइट नाउ वी आर एट हम्पी एंड दिस इज द कैफे वेयर विल बी हैविंग अ लंच. सो इट्स अ जंगल कैफे जिसका नाम है विस्करिंग रॉक. रेस्टोरेंट के लिए ये रोड है. वी विल गो टूवर्ड्स द रेस्टोरेंट. सो ये सानापुर लेक से अराउंड 2 किलोमीटर आगे है जो रोड, मतलब जब आप हम्पी से आओगे, ओल्ड हम्पी से, तो उधर से आके आप अंजना माउंटेन से राइट लोगे तो आप जाओगे टुवर्ड्स दिस थिंग. फर्स्ट आपको लगेगा विस्परिंग रॉक कैफ़े एंड देन आपको लगेगा सानापुर लेक. एंड हमने क्या किया था, हम गए थे हिप्पी आइलैंड पहले. तो हिप्पी आइलैंड तो पूरा डिमोलिश हो चुका है गाइस. लाइक जो उसका वाइब्स थी वो वाइब्स नहीं रही अब, क्योंकि वो केस सुप्रीम कोर्ट ने सैंक्शन कर दिया. तो इन मार्च वो तोड़ दिया था पूरा. सो अभी हम आए हैं लंच करने. सो ये देखिए मैंगो प्लांटेशन के बीच में ये कैफ़े है जहाँ पे हम लंच करेंगे आज. कार वहाँ पे पार्क कर दी है एंड ये वो रोड है. हनुमान जी का बर्थ हुआ. हाँ. यहाँ पे सुग्रीव वाली हनुमान जी का, यहाँ पे सुग्रीव वाली का ये था. तो श्री राम जी यहाँ से आए तो यहाँ से पूरा ये लेके फोर्स लेके यहाँ से उधर गए. ओके. नीचे, हाँ नीचे गए. तो वहाँ से श्रीलंका में उधर से आने के टाइम में फिर यहाँ पे जैसा कि वो पत्थर वत्थर था. हाँ. वो सब उधर से इधर पे लाया गया ऐसा बोल के भी ये है. ओके. तो बहुत सालों से यहाँ पे क्या है, ये जैसे पंपा पति हम्पी बोले तो पंपा और पार्वती और परमेश्वर का जो स्थान है यहाँ पे भी उनका वास हुआ था. बद्रेश्वर ये वीरभद्रा और ये विरूपाक्ष बोले तो जो शिव जी का एक अनदर एक रूप है वहाँ, यहाँ पर उन्होंने तपस किया था पंपा ने. तो उनकी शादी हुई यहाँ पे. तो यहाँ पे रिवर बैंक के बाजू में उनका शिव पार्वती, हाँ पंपा पति बोलते हैं और पंपा को पार्वती का पंपा सरोवर के वहाँ पे उनके पंपा सरोवर शबरी जी का स्थान है. तो एक चार सरोवर में एक सरोवर है वो. अच्छा. तो वहाँ पे शबरी गुफा भी है जहाँ पे बेर खलवाया खिलाया था इनको बोल के राम जी को. तो इतना सब है. उसके बाद ये भी एक हिस्ट्री है और ये हम्पी का ये विजयनगर साम्राज्य जो था तो कृष्णदेवराय, हाँ कृष्णदेवराय उससे पहले का ये चार फैमिलीज ने रूल किया है यहाँ पे. 400 साल लगभग 400 साल का पूरा बड़ा डायनेस्टी है. तो वो भी एक हिस्ट्री है. वो उनके बाद ऐसे तो डैम नहीं था, कुछ भी नहीं था, पानी किधर भी आ जाता था. तो उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ. थोड़ा ऐसा वार में भी थोड़ा नुकसान हुआ ऐसा ऐसा बोल के थोड़ा हिस्ट्री है. ओके. और वो चार टेम्पल कौन से बोला था आपने, वो जो प्रोटेक्शन है? एक वाणी भद्रेश्वरा. हाँ. एक किन्नूरेश्वरा और जम्बूनाथेश्वरा. हाँ. और सोमेश्वर, उसके बीच में हम्पी है. उसके बीच में ये मूला विरूपाक्षेश्वरा बोल के यहाँ पे मेन टेम्पल है ना, वो मेन टेम्पल जो है उसके राइट साइड में एक बड़ा पहाड़ है, हेमकुटा बोलते हैं. तो हेमकुटा में मेन टेम्पल है. तो ये जो मेन टेम्पल है ये तो है लोगों के लिए, मगर वो जो है वो प्रॉपरली वो मेन टेम्पल है. तो वहाँ पे एक पॉन्ड है, पॉन्ड के सामने एक इतना बड़ा सा लिंग है. तो वो मूला विरूपाक्षेश्वर मंदिर है. तो ये पांच चार बाजू में और एक बीच में, एक बीच में, तो इससे ये प्रोटेक्टेड है. ओके. इसलिए यहाँ पे ज्यादा एनर्जेटिक और पीसफुल आपको फीलिंग होता है. कहीं पर भी अच्छा हरियाली पानी सब सब है, सब है, बहुत ही सुंदर है. हॉस्पिटल के उस तरफ आप देखेंगे तो ऐसा जो यहाँ पे जो पत्थर का पहाड़ लग रहा है वहाँ पे पूरा आयरनर और माइनिंग मैग्नीस का पहाड़ है. सब आपको आयरनर मिल जाएगा, ओर्स है, पूरा ओर्स मिल जाएगा आपको. बहुत सारा प्रीशियस ओर्स है. तो वहाँ से 30 किलोमीटर हॉस्पिटल से 30 किलोमीटर गए तो संडूर है. तो संडूर में एक बहुत पुराना ये क्या बोलते हैं अय्यप्पा स्वामी मुर्गन कार्तिकेय का एक मंदिर है. हाँ, पार्वती हाँ. का मंदिर और एक कार्तिकेय का मंदिर. हाँ, हाँ. तो वो तो बहुत पुराना है. तो इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल टू सी, यू कैन गो देयर आल्सो. वहाँ पे एक ऐसा पहाड़ है कि वहाँ पे भस्म मिलता है अंदर से ही, नेचुरल नेचुरल वाइट वाला. तो वो भी एक स्पेशलिटी है इधर का.
तो वो एक ये है कि उनका जो व्हाइट सेल्स का वो भस्म बना और ये जो ब्लड से ये पूरा ओर्स बना आयरन और बोन के बोलते हैं तो साइंटिफिकली ये सब क्या बोलते हैं तो एक कुछ लावा ऐसा वॉल्केनो हुआ होगा इसलिए इतना सारा मिनरल्स आया इधर पे तो उसका जो फूटा हुआ जो पत्थर पहाड़ वो सब इधर पे पड़ा बोल के साइंटिफिकली देखा तो ऐसा भी तो बोला जाता है। राइट, पर ये पत्थर हिलते नहीं ना बिल्कुल भी। नहीं, ये कितना ऐसा इसका ग्रेविटी इतना स्ट्रांग है कि अभी जितना ऐसा यहाँ पे छोटा रहता है यहाँ पे ऐसा बड़ा रहता है फिर भी वो हिलता नहीं है। हिलता नहीं है। और बहुत सारी गुफा है यहाँ पे और बहुत सारे गुरु लोग उनका उनका वास होके गया है वो सब हिस्ट्री पोस्ट गुरु लोगों का भी यहाँ पे ये भी है यहाँ पे वह ये आनीगुंदी के अंदर आप बोट से अंदर जाएंगे तो नव वृंदावन बोल के है वहाँ पे वो धर्मस्थल में इनका राघवेंद्र स्वामी जी के नव गुरु लोग उनके फॉलोवर राघवेंद्र स्वामी तो उनके गुरु जी का पूरा ये ग्रेव्स पड़ा वहाँ पे है। अच्छा। तो हम्पी में विठला टेम्पल के पीछे एक है वहाँ पे एक है बहुत सारे है वो ग्रेव्स जैसे बनाते थे जैसे हाँ ऐसे वो तुलसी का हाँ बैठे जैसे बैठे रहते हैं तो उनका जितने बड़े गुरु उतना बड़ा वो उतना बड़ा बड़ा ये बना नालंदा में वैसे थोड़े बहुत लोग क्या कर दिया मतलब 200-300 साल से चल रहा होगा या उससे पहले से भी चल रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारा खजाना दब गया ऐसा वैसा बोल के बहुत सारे मूर्ति को बहुत सारे मंदिर को डेमोलिशन कर दिया लोगों ने जैसे उनके जैसे ऐसा गोपुर रहता है उसमें कुछ सोना रहेगा उसमें डायमंड्स रहेगा बोल के उसको फोड़ दिया तो ये इसके नीचे कुछ रहेगा बोल के उसको निकाल के फेंक दिया। प्रीशियस पत्थर का बना हुआ रहता था मूर्ति तब बहुत सारा वैसा इसको भी बेच दिया लोगों ने तो ऐसा बहुत हुआ है इधर पे तो बहुत सारे अंडरग्राउंड है यहाँ पे तो अभी बंद है वहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शन है नीचे से जाने वाले बहुत सारे रास्ते है और बस इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका आर्ट बहुत स्पेशल है स्पेशल है। राइट।